हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं रेल ज्ञान कोश। दोस्तों आज हम सफ़र करने वाले हैं न्यू दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन तक, और ये जो जर्नी होगी वो होगी वंदे भारत एक्सप्रेस में। हालांकि जो जर्नी थी कटरा वंदे भारत की पहली यात्रा थी, पर मैंने आज तक यात्रा आप सभी को नहीं दिखाई थी किसी कारणवश। पर आज मैं आप सभी को उसी सफ़र पर ले जाने वाला हूँ और वही एक्सपीरियंस आपको दिखाना चाहता हूँ जो मैंने यात्रा के दौरान की थी। इस वीडियो में न्यू दिल्ली से कटरा के बीच आने वाले छोटे मोटे स्टेशंस, नदी, पहाड़, टनल्स, कैब राइड सब कुछ देखने को मिलने वाला है, तो अंत तक ज़रूर से बने रहिएगा। आइए सफ़र की शुरुआत करते हैं। हालांकि मेरी जो शुरुआत थी वो ख़राब रही, क्योंकि देर हो जाने कारण से वंदे भारत के सभी जो दरवाजे थे वो बंद हो चुके थे और मुझे आनंद फानन में कैब के अंदर से वंदे भारत एक्सप्रेस में प्रवेश करना पड़ा। भला हो लोको पायलट साहब का जिन्होंने मुझे अंदर जाने की जो अनुमति है वो प्रदान की। भाग दौड़ के ट्रेन पकड़ने कारण से मैं ठीक तरह से नई दिल्ली से कटरा वंदे भारत का जो डिपार्चर है वो नहीं कैद कर पाया, क्योंकि मैं अभी भी शौक में था कि मैं ट्रेन के अंदर हूँ, जबकि उम्मीद बिल्कुल छोड़ दी थी। खैर, थोड़ा सांस लेने के बाद और सूर्योदय होने से एक नई ऊर्जा का संचार हुआ और मैंने अपने कैमरे को उस काम पे लगा दिया। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी हमारी ट्रेन नई दिल्ली से कुछ ही दूर आई है और देखते ही देखते अपनी पूरी रफ्तार भी पकड़ ली है। जी हाँ, इस ट्रेन की इस रूट पे मैक्स स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर की है। अभी हम स्किप कर रहे हैं सोनीपत, जो पुराने समय में स्वर्णप्रस्थ के नाम से प्रचलित था, और ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे पूरी रफ्तार में हम सोनीपत को स्किप कर रहे हैं। परंपरा के अनुसार भारतीय रेल की प्रीमियम ट्रेन में सफर करते वक्त सबसे पहले आपका स्वागत नहीं इससे नहीं बल्कि रेल लीड से होता है। और आज हम करीब 650 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने वाले हैं और अभी तो बस शुरुआत है। बाकी लोग अभी से ही निद्रा की मुद्रा में चले गए हैं। हो सकता है रात में ठीक से नींद ना पूरी हो, क्योंकि सुबह 6 बजे ही ये ट्रेन नई दिल्ली से रवाना हो जाती है। फिलहाल हम अभी स्किप कर रहे हैं पानीपत। पानीपत की लड़ाइयों के बारे में तो आपने ज़रूर सुना होगा, और कई लोग ये भी जानते होंगे कि महाभारत में पांडवों ने दुर्योधन से जो 5 गांव की मांग की थी उनमें से एक पानीपत भी था, जिसका पूरा नाम पानाप्रस्थ था। और यहाँ आप इस ट्रेन की स्पीड दोनों ही जगह देख सकते हैं, और बिल्कुल सटीक स्पीड आपको इस GPS बेस्ड स्पीडोमीटर में देखने को मिलेगी। वैसे आप कोई भी GPS बेस्ड स्पीडोमीटर का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि जो काम है लगभग वो सब एक जैसा ही करते हैं। तो चलिए, वक्त हो चुका है चाय का, और चाय सर्व करने का जो अंदाज़ है वो बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल जैसे फ्लाइट्स में सर्विसेज मिलती हैं, उसी का अनुभव आपको इस ट्रेन में होगा। तो चलिए अपने पुराने अंदाज में चाय बनाते हैं। बात करें लगेज स्पेस की, तो इसके लिए आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सामान रखने के लिए इस ट्रेन में पर्याप्त जगह है, और एक बड़ी ट्रॉली बैग भी बड़ी आसानी से आप यहां रख सकते हैं। वैष्णो देवी कटरा स्टेशन तक जाएगी। तो कैसा लग रहा है बाहर से नज़ारा? आप एंजॉय करिए इस नज़ारे को, और इसके बाद मैं आप सभी को कैब के अंदर ले चलूंगा, ताकि आप भी वो एक्सपीरियंस कर पाए जो मैं भी कर रहा हूँ। वैसे मैं ये शॉट ट्रेन के पीछे कैब से ले रहा हूँ और पूरी परमिशन के साथ ही आपको ये नज़ारे दिखा रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हैं वंदे भारत एक्सप्रेस के कैब के अंदर का नज़ारा। फिलहाल मेरी जो नज़रें हैं वो स्पीडोमीटर बनी हुई हैं, क्योंकि मुझे अभी इस कैब में सबसे आकर्षक चीज़ वही लग रही है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारी ट्रेन किस तरह से एक्सेलरेट कर रही है। चलिए, काफ़ी देर अंदर रह गए, अब बाहर निकलते हैं, इससे पहले लोको पायलट साहब धक्के मार के बाहर निकालें। कुछ ही समय में आप अम्बाला शहर पहुंच रहे थे। यह गाड़ी अम्बाला कैंट स्टेशन पर केवल 2 मिनट के लिए रुकेगी। तो जैसा कि आपने सुना कि अब हम बस अम्बाला पहुंचने ही वाले हैं,
तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हर कोचेज में स्पीकर्स हैं जो डायरेक्टली लोको पायलट के कैब से जुड़े हैं, मतलब लोको पायलट आपसे रूबरू बात कर सकते हैं और आप भी चाहें तो किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में लोको पायलट से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। गाड़ी 2 मिनट के लिए रुकेगी और जब गाड़ी चलेगी इसके दरवाजे बंद हो जाएंगे और ऑटोमेटिक बंद रहेंगे। गाड़ी प्लेटफॉर्म पर 6 पर जा रही है, प्लेटफॉर्म लेफ्ट साइड आएगा। तो हम अभी अंबाला कैंट पहुंच चुके हैं और यहां पे हम ओवरटेक करने वाले हैं स्वराज एक्सप्रेस को जो बांद्रा टर्मिनस से कटरा की तरफ जा रही है। तो हमारी ट्रेन का अंबाला पहुंचने का जो सही समय है वो 8:08 का है, पर यहां पे हम करीब 1 मिनट पहले ही पहुंच चुके हैं, यानी हमने करीब जो 200 किलोमीटर का डिस्टेंस है उसको 2 घंटे 7 मिनट में कवर किया है। रोड तो खुल गए हैं पर मैं बाहर जाने का कोई रिस्क नहीं लेना चाहता क्योंकि आज सुबह वैसे ही दौड़ते भागते ट्रेन पकड़ी थी, फिर से अगर दरवाजे बंद हो गए तो यहाँ से घर वापस जाना होगा। और सामने आप जो गरीब रथ देख रहे हैं वो है भारत की पहली गरीब रथ एक्सप्रेस जो सहरसा से अमृतसर के बीच चलती है। इस पर भी मैंने यात्रा की हुई है, आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए, दरवाजे बंद होने का संकेत हो चुका है तो बात करें अंबाला कैंट की। तो नॉर्थर्न रेलवे का ये एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है जहाँ 4 लाइनें मिलती हैं, एक जिस रूट से हम आए हैं, दूसरा सहारनपुर मुरादाबाद की तरफ से, तीसरा चंडीगढ़ और कालका की तरफ और फोर्थ जम्मू तवी कटरा जिस तरफ हम अभी जाने वाले हैं। और अब शायद हमें जो ब्रेकफास्ट है वो मिलने वाला है, तो चलिए देखते हैं कि ब्रेकफास्ट कैसा होता है इस वंदे भारत एक्सप्रेस में। ये तो कटलेट लग रहा है, ये आलू के पराठे, दही और मफिन्स और साथ ही साथ सैंडविच भी है। तो ये रहा हमारा ब्रेकफास्ट, तो चलिए जल्दी से हम अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म करते हैं ताकि पूरी एनर्जी से आगे की जो जर्नी है आप सभी को दिखा पाएँ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वंदे भारत एक्सप्रेस नॉर्मल लोको पुल ट्रेन की तरह नहीं है, ये एक ट्रेन सेट है जहां एक से अधिक कोचेज में ट्रैक्शन मोटर लगे हैं जो एक साथ ट्रेन को चलाते हैं, जिस कारण से इसकी जो एक्सेलरेशन है बाकी के लोको पुल ट्रेन से काफ़ी अच्छी होती है। इसके एक्सेलरेशन के ऊपर मैंने पहले ही वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। आइए अब टॉयलेट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वो कैसा है। वैसे तो ये टॉयलेट फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए बनाया गया है जहां व्हीलचेयर बड़ी आसानी से आ सकता है। इंटीरियर बिल्कुल ट्रेन की तरह ही बहुत अच्छा है और सबसे अच्छी बात यह है कि वैक्यूम टॉयलेट का इस्तेमाल हुआ जिस कारण से जो पानी है उसकी बचत काफ़ी ज़्यादा होती है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जी हाँ, ये जो आप बगल में बिछे हुए पत्थर देख रहे हैं ये ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए है जो लुधियाना से वेस्ट बंगाल के दानगुनी तक जाएगा। और आप देख सकते हैं ये लहलाते हुए खेत इस बात का इशारा कर रहे हैं कि तुसी पंजाब की धरती पे आ चुके हो। कमाल है हमारा पंजाब, अगर ये कांच ना लगा होता तो यकीनन पंजाब की जो मिट्टी का खुशबू है वो ज़रूर से मिलती। और अभी हम लुधियाना जंक्शन के दहलीज पे हैं और आप देख सकते हैं इस बच्चे इस नई ट्रेन को देख कर कितने उत्साहित हो रहे हैं। और लुधियाना में लोको शेड भी है जहां डीजल और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव दोनों का ही रखरखाव होता है। फिलहाल अभी हम लुधियाना जंक्शन पहुंच गए हैं और बात करें वक्त की तो अभी समय हो चुका है 9:29 और सही समय है यहां पहुंचने का 9:19, यानी अभी हम करीब 10 मिनट लेट हैं। और बात करें इस ट्रेन की तो सच में थोड़ा मुश्किल हो रहा है बताना, पर सारे जनरल कोचेस को देख करके यही लगता है कि ये अमृतसर बनमनखी जन सेवा एक्सप्रेस है। हालांकि अब ये ट्रेन HB हो चुकी है पर उस वक्त ICF रेक्स थे। खैर, हमारी ट्रेन के आते ही ये ट्रेन लुधियाना से निकल चुकी है और ये देखिए इसी बात का डर लगा रहता है, बाल बाल बच कर गेट बंद होने वाला था। हाश, फिर से दिल की धड़कनें काफ़ी तेज़ हो गई, अब नहीं उतरने वाला किसी भी स्टेशन पे। और बात करें लुधियाना की तो न्यू दिल्ली से लुधियाना आने के लिए एक और रूट है जिसमें पहले लुधियाना शताब्दी चला करती थी जो भारत की आखिरी ICF रेक वाली शताब्दी एक्सप्रेस थी। वो ट्रेन न्यू दिल्ली रोहतक जिंदधुरी होते हुए लुधियाना पहुंचती है और यहां से फिरोजपुर कैंट की तरफ के लिए भी एक लाइन जाती है।
और यहाँ आप देख सकते हैं कुछ डीजल लोकोमोटिव भी हैं। ये है BNDM यानी बोंडा मुंडा का WDM-3। ये इन पे R इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये लोकोमोटिव रीबिल्ट हैं। और ये है लुधियाना का WDG-3A जो कि फ्रेट ऑनली डीजल लोकोमोटिव है और इनको तो सब पहचानते होंगे। अब तो ये WDG-4G कॉमन हो चुके हैं। और जल्दी से आप लोग बताओ कि कौन सा लोकोमोटिव किसको यहाँ पे पुल या पुश कर रहा है। जिन जिन लोगों ने WAG-7 को बोला था, मेरी तरफ से आप लोग कुछ मीठा खा लेना। खैर, अब लुधियाना के बाद जो हमारी जर्नी होने वाली है वो बहुत ही एक्साइटिंग होगी क्योंकि अब जल्दी ही हमारी ट्रेन पहाड़ों से होकर गुजरने वाली है और इस तरह के नदियां और ब्रिजेस का जैसे अंबार लगने वाला है। और अभी हम लुधियाना से काफी आगे आ चुके हैं और अभी हम जिस ब्रिज पे हैं उसके नीचे सतलज नदी बह रही है। पंजाब यानी कि 5 नदियों की धरती, और वो 5 नदियां है झेलम, चेनाब, रवि, बीस, और इनमें से सबसे बड़ी नदी है सतलज, जिसके ऊपर अभी हम जा रहे हैं, जिसको अभी हम क्रॉस कर रहे हैं। और ये आर्मी ट्रेन का कारवां जो कि लाजमी है क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाने वाले हैं आर्मी हमारे और करीब होती जाएगी। फिलहाल अभी हम स्किप कर रहे हैं जलंधर कैंट और इससे आगे की तरफ लाइन अमृतसर के लिए गई है जो आगे नॉर्थर्न रेलवेज के एक आखिरी स्टेशन अटारी तक जाती है और आगे पाकिस्तान का वाघा स्टेशन शुरू हो जाता है। अरे ये वही रूट है जिस पे हमारी समझौता एक्सप्रेस चलती है। जलंधर एक बहुत ही प्राचीन शहर है और इसके पीछे बहुत सारी कहानियाँ हैं। कभी फिर से स्टेशन से गुजरता हूँ तो इसके बारे में ज़रूर से बात करेंगे। अच्छा, बात करें साफ सफाई की तो वो A1 है इस ट्रेन में, मतलब गलती से भी अगर कुछ नीचे गिर जाए तो वो 5 मिनट के अंदर बिल्कुल साफ हो जाता है। और अब जो हमारी ट्रेन की मैक्स स्पीड है वो धीरे धीरे कम होगी क्योंकि अब हम दुर्गम इलाके में प्रवेश कर रहे हैं। और जब कर्व पे वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है तो उसकी सुंदरता और बढ़ जाती है। और इतने ज्यादा कर्व ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी हम पठानकोट पहुंचने ही वाले हैं। पठानकोट जिला इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है पाकिस्तान से, इसलिए यहाँ आर्मी का बेस है। और पठानकोट 3 स्टेट्स यानी कि पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर को जोड़ता है, इसलिए ये तीनों राज्यों में प्रवेश करने के लिए एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, एक महत्वपूर्ण शहर है। और पठानकोट से आगे बढ़ते ही फिर से बहुत ही आकर्षक कर्व देखने को मिलते हैं और इन कर्व पे आप किसी भी ट्रेन के सारे कोचेस को देख सकते हैं। पर वंदे भारत के डोर लॉक होने के कारण से थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पर सेफ्टी यहाँ बहुत ज़रूरी है। तो जैसे जैसे हमारी ट्रेन जम्मू कश्मीर में प्रवेश करेगी, ट्रेन की जो मैक्स स्पीड है वो और भी कम होती जाएगी, पर जो नज़ारे हैं उनकी खूबसूरती और बढ़नी। पर उन नज़ारों को देखने के लिए आपको करना पड़ेगा थोड़ा इंतज़ार क्योंकि अब आगे की जो जर्नी है वो मैं नेक्स्ट पार्ट में दिखाने वाला हूँ और नेक्स्ट पार्ट के लिए आपको बिल्कुल भी वेट नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, पठानकोट से श्री माता वैष्णो देवी कटरा की जो जर्नी है वो सच में बहुत ही रोमांचकारी होने वाली है। तो मिलते हैं आपसे दूसरे पार्ट में। बाकी आपसे निवेदन है कि अगर आप मुझे इंस्टाग्राम फॉलो नहीं करते हैं तो आप मुझे ज़रूर से वहाँ फॉलो कर लें क्योंकि मैं वहाँ पर अपनी आने वाली जर्नी, पूरी हो चुकी जर्नी की जो तस्वीरें हैं वो वहाँ पोस्ट करता रहता हूँ। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, God bless you all.